हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमना एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं समथिंग स्पेशल। सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को दबा दीजिए जल्दी से। आज हम बनाने जा रहे हैं कैबेज राइस विद बटर चिकन, और ये कीटो वालों के लिए बेस्ट है। इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं जल्दी से। 1/2 kg बोनलेस लिया है हमने चिकन का, थाई का ले लें वो सबसे बेस्ट होता है। साथ में इसके साथ हमारे पास है 1 अनियन, 1 टोमेटो, उसे स्लाइस कट कर लीजिए क्योंकि इन द एंड हमने इसको ब्लेंडर में डालना है, तो जैसा भी कट कर सकते हैं कर लें। फिर हमारे पास है 1 कप क्रीम, 1 whipped cream ले लीजिए मार्केट में जो भी अवेलेबल हो। फिर हमारे पास है 4 से 5 टेबलस्पून बटर, क्योंकि बटर चिकन है ना, तो बटर के बिना कैसे बनेगा। जिंजर और गार्लिक पेस्ट है हमारे पास 1/2 टेबलस्पून, ताजा लेकर उसे क्रश कर लीजिएगा, उसका डिफरेंट जायका निकलता है। फिर हमारे पास है 1/2 टेबलस्पून मिक्स हर्ब, इजीली अवेलेबल होती है अब तो मार्केट में ये चीज। कुछ स्पाइसेस हैं जिसमें गरम मसाला, क्यूमिन पाउडर और कोरिएंडर पाउडर है। 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला है, 1 टेबलस्पून हमारे पास कोरिएंडर और 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर। फिर हमारे पास है सॉल्ट, सी सॉल्ट। फिर हमारे पास है 1/2 टीस्पून ट्यूमरिक पाउडर, 1 टीस्पून हमारे पास चिली पाउडर है। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। हमने जल्दी से एक कंटेनर लिया है, उसमें हमने डाला है ऑयल चिकन को सॉटे करने के लिए। फुल फ्लेम पर हम लोग इसे कुक करेंगे ताकि हमारा चिकन का कलर चेंज हो जाए, जल्दी से उसका रॉनेस ख़त्म हो। और फिर हम डालेंगे इसके अंदर हम अपना जिंजर और गार्लिक पेस्ट। थोड़ा सा इसके साथ सॉटे करने के बाद हम डालेंगे इसमें अपने स्पाइसेस, नमक, रेड चिली पाउडर, ट्यूमरिक पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर, साथ में हमारे मिक्स हर्ब। और फिर इसको मिक्स करके इसको हम रख देंगे कुक होने के लिए ऑन अ लो मीडियम फ्लेम फॉर अबाउट 10 मिनट्स। दूसरी तरफ हम लेते हैं अपना ब्लेंडर और उसमें हम पीसते हैं अपनी प्याज और टमाटर। आप अपने चिकन के हिसाब से अपनी प्याज और टमाटो की क्वांटिटी को इंक्रीज या लेस कर सकते हैं। ये हमारा बैटर तैयार हो रहा है जो कि हम इसमें चिकन में डालेंगे। 10 मिनट के बाद जब चिकन थोड़ा सा पक जाए फिर इसमें हम डाल देंगे अपना हम बटर। अच्छे तरीके से बटर को ऐड करके सॉटे करके डाल करने के बाद फिर इसमें हम डालेंगे अपना जो हमने बनाया है पेस्ट। ऑयल छोड़ दिया हमारे चिकन ने, टोमेटो और अनियन का पेस्ट डालेंगे इसके अंदर हम। बहुत शुक्रिया सब्सक्राइबर्स का लाइक करने का, मेरी वीडियोस को शेयर जरूर किया करें ताकि रेसिपीज जितनी ज्यादा आप शेयर करेंगे उतनी ज्यादा वो व्यू में आएंगी। इसे हम फर्दर 10 मिनट्स के लिए कुक करेंगे। ये कीटो जो करते हैं उनके लिए बेस्ट फूड है जो कि फटाफट बन जाता है 2 मिनट में, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लेता, ये प्रिपरेशन थोड़ा सा लेता है। हाँ जी, अब हम बनाने जा रहे हैं कैबेज राइस, कॉलीफ्लावर राइस। कैसे बनते हैं ये देखिएगा। पहले से वॉश कर लें आप पूरे फूल गोभी को और उसे कट कर लें थोड़ा सा, ज़्यादा बड़े बड़े जैसे पीस होते हैं वैसे, और उसे हम करेंगे ग्रेट। ये ग्रेट ग्रेट जो जिससे हम लोग कद्दूकश करते हैं जिसे कहा जाता है, उसको हम कद्दूकश कर लेंगे। वो बेसिकली राइस की शक्ल में कन्वर्ट हो जाएगा हमारी कॉलीफ्लावर। ये हमारे राइस बन गए हैं और इसको हम करेंगे कुक थोड़ी देर में। पहले हम अपने चिकन को जरा से कंप्लीट कर लें। हम डालेंगे इसके बाद अपना क्रीम, लेकिन क्रीम डालने से पहले हम अपना स्टोव को कर देंगे ऑफ ताकि हमारा जो है क्रीम फटे नहीं। स्पेशली पाकिस्तान में जो क्रीम या एशियन इलाकों में जो क्रीम मिलती है वो जल्दी ख़राब फट जाती है, तो अपना स्टोव को ऑफ कर लेना है क्रीम डालते वक्त लाजमन। और ये हमारा हो गया बटर चिकन तैयार।
अब दूसरी तरफ हम लेंगे अपना पैन, उसमें हम डालेंगे अपना कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल जो भी आपको अवेलेबल है, और फिर डालेंगे अपने कैबेज राइस जो हमने बनाए थे ग्रेट करके कॉलीफ्लावर को। कॉलीफ्लावर को हम लोगों ने इसमें करना है अब थोड़ा सा सॉटे, तकरीबन 5 मिनट तक हाई फ्लेम के ऊपर। ये बहुत ही यमी रेसिपी है, आप ट्राई करके देखें, नो कार्ब्स इन इट और आपके फैट्स और ये सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा, और कीटो वालों के लिए सबसे बेस्ट डिश है। बटर चिकन कहाँ खाने को मिलता है कीटो वालों को। अब हमने थोड़ा सा सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर डाला है इसमें, अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, चेक कर लिया करिएगा जब आप सॉटे कर रहे हो और मिक्स करने के बाद की कितनी और ज़रूरत है, क्योंकि हमारा इसके साथ खाने का है बटर चिकन तो हमें ज़्यादा स्पाइसेस की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमने इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए थोड़ा सा पेपर और नमक डाल दिया है। फिर हमने थोड़ा सा डालना है इसमें ज़ीरा, होल क्यूमिन 1 टीस्पून, और फिर इसे हम इसे और थोड़ी देर सॉटे करेंगे और हमारे हो गए कैबेज राइस तैयार, कॉलीफ्लावर राइस तैयार। इससे ज़्यादा मज़ेदार डिश आपको कहीं नहीं मिलेगी, स्पेशली डाइटिंग करने वालों के लिए जो राइस खाना चाहते हैं पर वो खा नहीं सकते, इसके ज़रिए वो राइस का मज़ा भी ले सकते हैं और बटर चिकन का भी इंजॉय कर सकते हैं। ये हमारी तैयार हो गई है डिश, हमने डिश आउट कर लिया है बटर चिकन और राइस को, हमने कोरिएंडर के साथ इसे गार्निश किया है। आप इंजॉय करें अपने घर वालों के साथ, हर इंसान इसको बहुत ही यमी यमी तरीके से खा सकता है, हर इंसान को बहुत पसंद आएगा, और डाइटिंग करने वालों के लिए तो एक रेसिपी मिल गई है हमें जो कि आराम से राइस का मज़ा भी ले सकते हैं और बटर चिकन का भी। मुझे दुआओं में याद रखा करें, मैं आपको हमेशा अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, मेरे व्यूवर्स हमेशा सलामत रहें, और मेरी डिश को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मैं हाज़िर होंगी एक जल्दी से नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।